वो मिले। और दूसरी बात हम तो ये भी कहते हैं कि जैसे मिलना चाहिए साहब एससी एसटी को, और उसी तरह से पिछड़ा अति पिछड़ा की महिलाओं को भी उसी तरह से आरक्षण मिल जाना चाहिए, और सब के लिए सीट बस रहना चाहिए उसी के लिए जो है, और उसमें मिल जाना चाहिए। तो हम लोग अपना डिमांड कर रहे हैं, तो जो भी लगे देर लगे, लेकिन जो भी महिलाओं के लिए हो गया हम लोग तो शुरू से करते हैं। कम से कम 33% 1/3 के करीब हो रहा है, अच्छी बात है। हम लोग तो चाहते हैं कि और बढ़े, लेकिन खैर एनीवे तो हम तो सपोर्ट किए, लेकिन हम चाहते ये हैं कि बहुत तेजी से इसका तो चूँकि कराएंगे सर तब न जी, तभी न शुरू होगा, नहीं तो खाली लागू हो गया है। इसको तेजी से सेंसस होगा, तेजी से कर लेते तो हो न गया होता अब तक, कितना बढ़िया होता। मांग उठाई है, अब सेंसस की मांग उठाई है कि पूरे देश में कराना चाहिए, इसका लाभ वो तो अलग है, वो तो सेपरेटली चीज है, वो तो पूरे देश में हम चाहते हैं कि उसके साथ साथ होना चाहिए। ये आपको याद होगा अगर तो हम लोग बहुत यंगर एज से मांग कर रहे हैं, समझ गए ना, और उस समय नहीं हुआ था, इस बार तो कम से कम 21 में हो गया था थोड़ा सा बाद में, अब बाद में नहीं हुआ है, अब बाद में तो मेन ही नहीं हुआ है। तो अगर इस सब करा देंगे तो कितनी सुविधा होगी, ये सबका सब गरीब गुरबा तबका एक एक चीज के बारे में होगा, तभी ना सबका विकास हो जाएगा। हम लोग तो सबके उत्थान के ना काम करते हैं, तो ये ना हम लोगों का उद्देश्य है, हम लोगों का कोई दूसरा उद्देश्य है, तो उसके चलते हम लोग है। खैर एनीवे वो अलग विषय हो, तो हम लोग बार बार कहते ही रहते हैं, लेकिन महिला के लिए अगर हो जाए और तेजी से लागू हो जाए तो बड़ी खुशी होगी। हम लोग तो क्या किए हुए हैं सबका आपको पता ही है शुरू से, तो हम लोग तो चाहते हैं। अरे पहले से आपको मालूम है ना, 2008 में ही हम लोगों ने तय कर दिया था कि 9:30 बजे से शुरू होगा, आई सबको 5:30 तक दिए थे, अब बीच में हम 13 के बाद नहीं जा रहे थे, इधर हम देखे कि लोग देर से आता है, ये होता है, तो हमको परसों लगा कि हम जाएंगे, तो कल भी गए हैं आज भी गए, आज जान लीजिए हम तय कर दिए हैं 3 दिन, 2 दिन तो भेजते हैं सबको बाहर अफसर सबको, मैंने आप समझिए बुध और बृहस्पति को, तो सोमवार और मंगल को वहाँ रहेंगे, और शुक्र को रहेंगे वहाँ सवेरे 9:30 बजे जाके, 1 बजे 1:30 बजे तक हम वहाँ, मैंने वहाँ पर रहेंगे 11:30 11 जो भी इतना जरूरत है। और दो हमारा यहाँ जो हमारा है मुख्यमंत्री सचिवालय, उसमें भी हम कल रहेंगे, पहले तो रहते ही तरह थे, आप जानते थे ना कितना रहते, आजकल ही 20 के बाद छोड़ दिए, तब बैठेंगे और सब के सब लोग बेचारा काम करेगा, तो मेरी और कोई इच्छा नहीं, मेरी इच्छा कि सब लोग समय पर जाए, तो आजकल मंत्री को कोई कोई देखते कम, अब सब लोग जाने लगे सब जाने लगे अब समय पर। क्या चीज, अब वही ना सोचिए, हो ना जाना चाहिए था जी, तो इतना देर काहे के लिए कराए हुए, इसको तो इमीडिएटली भी शुरू करा सकते हैं, 24 का क्या जरूरत, अभी तुरंत कर देना चाहिए, क्या दिक्कत है करने का, तुरंत कर देना चाहिए, क्या दिक्कत है, इसको तेजी से करना चाहिए। अरे हर 10 साल पर हो रहा था ना जी, आप सोच लीजिए 1931 से शुरू हुआ, आई पहला बार ना हुआ है, डिले हो गया है, ये अच्छा नहीं ना है, करा दीजिए जल्दी, तो ये सब हम चाहते हैं। अब अपना नहीं कर रहे हैं तो जाने, लेकिन ये चीज ठीक है, अब इनको देर होगा इम्प्लीमेंट करने में, लेकिन जब भी हो जाए बड़ा खुशी है, महिलाओं को मिल जाएगा। सीताराम येचुरी से मुलाकात हुई क्या, इंडिया अलायंस को लेकर बातचीत हुई क्या? देखिए ये सब बात हम अभी नहीं कहेंगे, आप जानते हैं कि विपक्ष के लोगों के बीच में हम लोगों की कुछ एकता हुई है, आपस में बात होती है, जो यहाँ पर आते हैं आपस में बात करते हैं, वो बातचीत है, उस सब में कुछ कहने की जरूरत नहीं, चिंता मत करिए, सबको मिला के आगे बढ़ाना। क्या भोपाल की रैली टल गई है,
वो अगला 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 डेट आएगा सर। अभी फाइनल लोकल भोपाल वाला वही कर रहा टल गया। ठीक है देख लेते हैं काम कर सर। टीका जो लड़ाई है प्रभारी है ही बोल रहे हैं देख लेंगे तुरंत देख। अभी फाइनल काम जो टल गया तुरंत देखेंगे। आप देख न रहे भाई कि सब लोग समय पर काम करें तो इसी के लिए जा रहे हो। फिर भी सर बीजेपी के लोग कहते हैं कि कोई काम ही नहीं दिख रहा आपका। हाँ हमारा काम नहीं उनको दिखना चाहिए इसलिए चूंकि काम न है जी। अब वो कहेगा कि कोई काम नहीं है तो आप लोगों पर तो कब्जा किए हुए हैं तब बिना मतलब का प्रचार करेगा। लेकिन आप भी जब जानिएगा तो एक बार तो लिखिए ना देते हैं तो ऐसे ही कर रहा है ना जी। आ एक बार जब उस सबसे मुक्ति मिलेगी आप सबको जो अधिकार मिलेगा तो हर आदमी अपनी इच्छा से उसको जो अच्छा लगेगा जो ठीक नहीं लगेगा एक एक चीज पत्रकार बोलता हम आपको मालूम है जी। हम लोग का पत्रकार से क्या संबंध है। जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तब से और जेपी मूवमेंट हुआ तब से आज जब हम पटना वहाँ पर थे एमपी हम थे आ कितना ज़्यादा अमृतसर कितना अच्छा हमारा संबंध रहा है सब दिन तो हम सब के पक्ष में रहते हैं। राय अपनी अपनी हो सकती है हम पत्रकारों के कभी खिलाफ नहीं रहते हम सब के हम किसी के खिलाफ नहीं रहते। हाँ उसको जो सही लगेगा वो लिखेगा जिसको खिलाफ रखेगा वो खिलाफ लिखेगा ये उनका अधिकार है भाई। ये पत्रकार को जो अधिकार है वो नहीं खत्म होना चाहिए। जैसे हम लोगों को काम करने का अधिकार है तो उसे पत्रकार को ना अधिकार है जी। साधारण बात है पत्रकार आप लोग हैं इसी तरह से हैं तो कितना खुशी की बात है। एक एक चीज को जान करके करेगा तो आप लोग पर कब्जा कर लिया है बेचारे को वो तो ठीक नहीं है। इसको एकदम आजादी रहनी चाहिए। सर बीजेपी के लोग आपके बारे में प्रचार करते रहते हैं कि कभी भी कहीं भी जा सकते हैं इस तरह की प्रचार हर जगह। देखा ना हमको कोई लेना देना नहीं है आप लोग बोलते रहते हैं हम उन लोगों पर कोई ध्यान नहीं देते। हम असल ध्यान दे रहे हैं देश के सब लोगों के हित में और देश का उत्थान इस पर हमारा ध्यान रहता है। दो तीन बार हो गया का मामला है क्या सर? कुछ नहीं करेगा तो आप लोग पर कब्जा कर लिया है बेचारे को वो तो ठीक नहीं है। इसको एकदम आजादी रहनी चाहिए। बीजेपी के लोग आपके बारे में प्रचार करते रहते हैं कि कभी भी कहीं भी जा सकते हैं इस तरह की प्रचार। देखा ना हमको कोई लेना देना नहीं है